चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधि। रणबीर सिंह टांग। हाँ जी, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रणवीर सिंह टाक, सिरसा हरियाणा से। समण संघ विद पीपल की आज के वर्तमान परिवेश में अत्यंत जरूरत हो चुकी है। भगवान बुद्ध द्वारा दिखाए गए करुणाशील प्रज्ञा के मार्ग को ब्राह्मण विचारधारा ने विकृत कर दिया और उसे बाहर निकलने के लिए बाबा साहब विश्व रत्न बौद्ध स्तूप बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा अपने और परिवार के सुख का बलिदान देकर जो है हमें मानवीय अधिकार दिलाए। हमारा गौरवशाली संविधान के माध्यम से हमें मानवीय अधिकार दिलाए। आज उसी की उसी संविधान को विकृत और खोखला करने की कोशिश की जा रही है। लोग कहते हैं कि भी है विद द पीपल की क्या वो है, क्यों उसकी वो है, जुड़ना क्यों जरूरी है। तो इसलिए हमें संविधान को बचाना, हमारी अस्मिता, स्वाभिमान, इज्जत मान सबको बचाने के लिए हमें जरूरत है अब इकट्ठा होने की, जो कि तथागत बुद्ध से पहले होता था। अस्मिता और अस्तित्व को बचाने के लिए समण संघ की आवश्यकता है। समण संघ के कुछ नियम हैं, जैसे विद पीपल किसी से किसी भी प्रकार का कोई चंदा सदस्यता शुल्क नहीं लेता है और न ही भविष्य में कभी लेगा। यदि कोई व्यक्ति इस WTP के नाम से कोई पैसे की मांग करता है तो वह समण संघ का दुश्मन है। समण संघ का कोई नेता, अध्यक्ष, संस्थापक, निर्माता, संचालक, पदाधिकारी या अगवा या कार्यकर्ता आदि नहीं है, कर्ता धर्ता नहीं है, नहीं भविष्य में ऐसा कोई होगा। क्योंकि जैसे कि सिख जो लोग हैं, सिख समाज है, उन्होंने अपना जो अध्यक्ष प्रधान है वो गुरु ग्रंथ साहिब को मानकर चलते हैं। ऐसे ही हमें फैसला लिया है समण संघ के जो भी SC ST OBC के लोग हैं और समण संघ के रूप में बोले जाएंगे, और वो उन्होंने अपना, हम सब ने अपना जो है नेता संविधान बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है उसको मान लिया। WTP समण संघ में मंच माला और VIP कल्चर नहीं होता है। समण संघ में सभी समान होते हैं। विद पीपल में अपना खाना, अपना किराया खर्चा खुद करने की परंपरा है, शेयर करके जो करते हैं। किसी आम आदमी से कोई चंदा, जैसे उपरोक्त पहले बता दिया, समण संघ कभी सक्रिय राजनीति में नहीं आएगा। समण संघ में जातिवाद, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद, गुटवाद, ऊंच नीच तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। समण संघ में बहुमत से लिए गए फैसले सर्वमान्य होते हैं। विद पीपल का एकमात्र नेता बाबा साहब का प्रमाणिक दस्तावेज भारत का संविधान है। विद पीपल में प्रथम और अंतिम सिर्फ एक प्रमोशन होता है, वह है स्पोक, यानी कि महापुरुषों के वक्तव्य के वक्ता। तो इस प्रकार से हमारे समण संघ का ये मुख्य थीम, जैसे कह सकते भी इकट्ठा होना क्यों जरूरी है। जैसे इसका एग्जांपल है, पहले हम 2018 में 2 अप्रैल 2018 को, क्यों मैंने भी छुट्टी लिया था, मैं अभी भी सर्विस में ही, सेवा में ही, सरकारी यानी कि हरियाणा सरकार के जो शिक्षा विभाग में एज ए इतिहास प्राध्यापक के पद पर हूँ, सुनील कुमार मेरा एक। तो उस दिन मैंने सी लीव, कैजुअल लीव लिया था, रिकॉर्ड में है आज भी, कोई RTI मांग के देख सकता है। तो छुट्टी लेकर हमने जो है उसमें भाग लिया 2 अप्रैल 2018 को, और हमारा जो SC ST Atrocity Act था उसमें उसको भी वो कर दिया था, थोड़ा खोखला कर दिया था, उसकी धाराएं कुछ हटा दी थी, जिसकी अभी DSP वगैरह जैसे उच्च अधिकारी उसकी उसको सर्च करेगा, उसके बाद फिर जो मुकदमा आएगा, इस तरह से उसको कमजोर कर दिया था उस धारा को, उस नियम को। तो लेकिन हम इकट्ठे हुए 2 अप्रैल 2018 को, तो दोपहर बाद तक वो जो हमारी जो था वो वापिस होगा था, है ना। इस प्रकार से यानी कि एक दिन इकट्ठा होने से हमारा एक जो अधिकार था वो वापिस मिल गया। तो परमानेंट हम, जैसे तथागत बुद्ध के समय में हम इकट्ठे थे, मौर्य काल में हम शासक थे भारत के, तो इस प्रकार से लगातार हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारे जो है खोए अधिकार मान सम्मान वापिस मिल जाएगा। थैंक यू, जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी का जो है धन्यवाद और साधुवाद।
आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।